हे गाइस, वेलकम टू एवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। सो आज का जो टॉपिक है आपको लिखा दिख ही रहा होगा यहाँ पे, हम कवर करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें से लगभग एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में पूछा गया है, अगर वो फिजिक्स का एग्जाम है तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, तो अगर आप टिफर की तैयारी करना चाहते हैं तो टिफर पेपर मैराथन अनअकैडमी पर लॉन्च होने जा रहा है 8 नवंबर से। और इसमें जो लेक्चर्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेके और 9 बजे तक ये लेक्चर लगातार चलने वाला है 8 नवंबर को। और इसमें हर एक सब्जेक्ट पर बारीकी से फोकस किया जाएगा। मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो कि IIT जैम टिफर की तैयारी कर रहे हैं, टिफर IIT जैम या फिर जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें हर एक जो सब्जेक्ट है उस पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो मैथ्स के जो एजुकेटर्स हैं, फिजिक्स के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के, तो ये काफ़ी आपको आपकी जो तैयारी है वो बेहतर कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक कीजिए और अनअकैडमी पर जाकर आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नीचे आपको ये मैराथन क्लासेस के पूरे लिंक मिल जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके, वॉच नाउ पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस पेज पे जाके और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंट्रिंग इन टू प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर MSc एंड PhD इज योर ड्रीम? Change your dreams of cracking TFR into reality with India's top educators in Unacademy platform. Get the right guidance, proper strategy and success mantra from our topmost educator. So why you are waiting? Join with us and allow us to be a part of our success. Enroll for TIFR Marathon course starting from 8 November at 10 o'clock. You will be getting live quizzes, mock tests and many more to boost your confidence and to crack this exam at one attempt in very easiest way and allow us to be a part of your success. Enroll very soon for the TIFR Marathon programs. Unacademy. Let's crack it. चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। ओके, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को अगर हम समझें तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में कोई भी मोशन अगर हो रहा है, किसी भी कोई भी बॉडी अगर एक ही सीधी लाइन में गति कर रही है तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये सीधी लाइन में गति कर रही है, इसका मतलब इसका जो मोशन है वो एक एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके, तो इसको हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की मोशन और उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, कुछ फ्रेम की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, किसी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की पोजीशन और उसके मोशन को डिफाइन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है जिसकी सहायता से आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एट ए इंस्टेंट वो पार्टिकल कहाँ पे है ये बताने के लिए आपको टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक चौथी डायमेंशन आती है टाइम। ठीक है, तो ये एक अपने आप में क्या है, किसी भी बॉडी की पोजीशन और उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की मोशन और उसकी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम कहें कि कोई भी जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो गया, जब बॉडी किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करे, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस केस में अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है तो वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है तो एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू जीरो होगी, और अगर वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। एक्स और वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशनल हम मोशन देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में किसी भी बॉडी का मोशन टू डायमेंशनल भी हो सकता है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है
कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक प्लेन में मोशन करता है, ठीक है, प्लेन का मतलब हो गया कि उसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस, मतलब कोई भी दो प्लेन, कोई भी दो एक्सिस मिला करके एक प्लेन बनता है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो जब भी कोई बॉडी इन प्लेन में मोशन करती है तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि कोई भी एक नाव, ठीक है, बोट इन ए रिवर, ठीक है, रिवर में कोई भी बोट जो है उसका जो मोशन होता है वो टू डायमेंशनल होता है, ठीक। ऐसे ही जब हम चलते हैं, जब हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वो भी हम टू डायमेंशनल मोशन में करते हैं। तो ट्रेवलिंग ऑन अर्थ, ठीक है, उसी के साथ में अगर हम देखें ट्रेवलिंग ऑन अर्थ, वॉकिंग, ठीक है, जब हम बॉल से फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल जो अगर ग्राउंड पे चल रही है, फुटबॉल अगर ग्राउंड पे मोशन कर रही है, तो उसका मोशन भी क्या होगा, टू डी मोशन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन क्या होते हैं, टू डी मोशन होते हैं। अभी अगर हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें तो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होगा, तो थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया कि अगर किसी भी बॉडी की टाइम के साथ में एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष और टाइम के सापेक्ष ये तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे एक बर्ड, ठीक है, जो कि क्या है, हवा में उड़ रही है, ठीक है, तो उसका मोशन क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। और इसी के साथ में और जलीय जीव जितने होते हैं वो भी थ्री डायमेंशनल मोशन करते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। टू डायमेंशनल में प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसका एग्जाम्पल है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये कहानी है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की। तो हमें बात किसकी करनी है, ओनली वन डायमेंशनल मोशन की करनी है, वन डी मोशन की बात करनी है, ठीक है। बाकी 2D और 3D मोशन हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो अभी 1D मोशन की बात करनी है, क्योंकि इसी में स्ट्रेट लाइन मोशन आता है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो इसी टॉपिक के अंदर आता है, तो इसीलिए हम 1D मोशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे 1D मोशन अगर है तो एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक स्केल है, मीटर स्केल है, तो जिसमें हम किलोमीटर में शो कर ले रहे हैं, ठीक है, किलोमीटर स्केल है। यहाँ पे कोई पॉइंट जीरो है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 6 एंड सो ऑन, ये स्केल है। यहाँ पे एक जो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चलते चलते ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, यहाँ से ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है और यहाँ पे फाइनली पहुँच जाता है। अब यहाँ से इसका मन किया, अब ये घर लौट के आना चाहता है, तो ये इसका घर है यहाँ पे होम, और यहाँ पे इसका कोई दोस्त है, उसका फ्रेंड्स होम, ठीक है, तो अपने दोस्त के घर गया पैदल, ठीक है, चलते हुए, तो पैदल अपने दोस्त के घर गया और फिर लौट के वापस आ गया। तो इसने वापस आया और रास्ते में यहाँ पे एक शॉप थी, तो वापस आते हुए यहाँ पे चाट पकौड़ी खाई, ठीक है, एक ठेला लगा हुआ था, तो यहाँ पे इसने चाट पकौड़ी खाई है, ठीक है, चाट पकौड़ी यहाँ पे रास्ते में खा ली। अब यहाँ पे 2 किलोमीटर की डिस्टेंस थी इसके घर की यहाँ से, ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 4, टोटल डिस्टेंस अब तक इसने चाट पकौड़ी के ठेले तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 4 ये हो गई, और यहाँ से 2 इतना हो गया, तो टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 6 किलोमीटर, ठीक है, चाट पकौड़ी के ठेले तक उसने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, तो वो हुआ है यहाँ पे 2 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशंस मैं लिख देता हूँ, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशन, ये इस डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यहां पे लिख लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड कवर्ड इन मोशन, ठीक है। मोशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इन मोशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में मोशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वो वापस घर पे लौट के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, जीरो, ठीक है। जबकि डिस्टेंस कितनी हो जाती, तो ये हो जाती 8 किलोमीटर, ठीक। तो यहां पे अंतर क्या है दोनों के बीच में कि डिस्टेंस डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, विल नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी। बट व्हाइल व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, जबकि और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉन जीरो होता है। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो, कभी जीरो नहीं होगी आपकी। जबकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को आप इसमें ध्यान में रखेंगे, क्लियर हो गया। इसी के साथ में डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अभी हम बात करेंगे, उससे पहले बात कर देंगे क्या, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, यहां पे एक इक्वल टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मतलब अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहां से यहां तक गया और उसने हर 5 सेकंड में, ठीक है, हर 5 सेकंड में, ठीक है, यहां से यहां तक 5 सेकंड हुए और इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगेन 5 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, यानी कि 10 सेकंड में इसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 15 सेकंड में यहाँ पे इसने 20 और यहाँ पे फिर 10 कर दी तो 30 हो गई, ठीक है, अगले फिर 5 सेकंड में इसने फिर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो हर टाइम इंटरवल में इसके द्वारा डिस्टेंस जो कवर की गई है वो इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। वाइल अगर ऐसा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की गई है, ठीक है, मान लीजिए कि 5 सेकंड में इसने 10 मीटर की डिस्टेंस की, अगले 5 सेकंड में इसने 12 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, अगले 5 सेकंड में इसने 14 मीटर की डिस्टेंस कवर की है और अगले 5 सेकंड में इसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो ये सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन कवर्ड जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर की गई है वो सेम नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस है टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की गई है। तो यहां पे लिख लेंगे ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको कवर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो
तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या फिर डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी एंड स्पीड की, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी की, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड की। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, वेलोसिटी। जबकि स्पीड की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, स्पीड, और एक सेकंड में तय किया गया विस्थापन या एक सेकंड में किया गया विस्थापन क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई समस्या? ओके, कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको। तो वेलोसिटी स्पीड, अब इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन जो होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी इसने ईस्ट में ट्रेवल करी, उसके बाद ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस नॉर्थ में गया। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ इसका, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 125 निकल के आएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 125 निकल के आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई है ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 125। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे लगभग 30 मिनट का समय लगा, और यहाँ पे इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगभग 15 मिनट का समय लगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 30 प्लस 15, और ये मिनट है तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 45/60, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी इन मीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सेम एज एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, जो पिछला एग्जांपल था उसी से समझते हैं। यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये हो गया 5 किलोमीटर हो गया, तो 10 और 5 15, तो टोटल डिस्टेंस इसकी हुई 15, और टाइम इसको कितना लगा, टाइम उतना ही लगा है जितना पहले लग रहा था, तो 30 मिनट यहाँ पे लगे, 15 मिनट यहाँ पे लगे, तो ये कितना हो गया, 30 और 15 क्या 45, और इसको भी हम किस में कर लेते हैं, 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60, तो 15 × 60/45, तो 15 × 45 और 3×6 = 20, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी स्पीड हो गई, ठीक है, एवरेज स्पीड हो गई। क्या आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक्स जो है हमने जो आज कवर किए ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कवर करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें हम साथ में वेक्टर भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है
तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MBBS क्लासेस पर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।